हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम पेज नंबर 237 का चार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स चैप्टर में आपके चैप्टर में है वो सारे टॉपिक्स को ऊपर राइट बटन पर दे दिया जाएगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। तो अगर इन सारे क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको डिटेल में समझना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप जाकर उस लिंक को देख सकते हो। क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, आपके सामने सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा। पूरा चैप्टर इस टॉपिक से कंप्लीटेड है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट चैप्टर आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट चैप्टर आपको मिल जाएगा, लाइट का आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा 10th क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। पिछले सीरीज में हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। जब इंड्यूस करंट उसमें फ्लो करता है तब वो काम करता है, मतलब यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेम सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट का सोर्सेस पूछ रहा है आपसे, क्या होगा डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होगा? सेल, जो बैटरी घड़ी में जो छोटा छोटा बैटरी लगा होता है ना, बटन बैटरी जो हम कहते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। उससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है, बैटरी से भी हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। सेल होता है वो एक सेल, ठीक है। सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है इलेक्ट्रिसिटी में। डीसी जनरेटर जो हम यूज करते हैं इसमें भी इससे भी हमें डायरेक्ट करंट ही मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच सोर्स प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा सोर्स अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो? तो एसी जनरेटर प्रोड्यूस कर सकता है अल्टरनेटिंग करंट, और पावर प्लांट, जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, जो जहाँ से घरों पे हमारे बिजली आती है, तो उस पावर प्लांट से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो बिजली आ रही है हमारे घरों तक, हम ये सारा बिजली अल्टरनेटिंग करंट है हमारा। और जो हम बैटरी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स है, यहाँ से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, यहाँ से भी हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं, बस दो ही लिख लेना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टॉपिक तो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए टॉपिक देखना पड़ेगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप एसी जनरेटर का टॉपिक देख लेना। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इसे रोटेट किया जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस इन ईच, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो कब चेंज होगा? हर 2 रेवोल्यूशन में, हर 1 रेवोल्यूशन में, हर हाफ रेवोल्यूशन में, हर 1/4 रेवोल्यूशन में। चार ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन टिक करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन लिख लो, हाफ रेवोल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, जिनको भी ये टॉपिक कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट चैप्टर चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिस तरह चल रहा है वो सारा चैप्टर का हम करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में चैप्टर्स गिवन है सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 238 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। थैंक यू वेरी मच।